निर्गमन की पुस्तक की श्रृंखला जारी है। हम इस सीरीज पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुतों ने कमेंट किया, एक ने लिखा कि बिशप साहब हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से प्रभु के द्वारा हमें समझाया जा रहा है। बोलने वाले आप जरूर हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि प्रभु आपके द्वारा बातचीत हमसे कर रहा है। और मैंने बार बार आपसे कहा है कि मित्रों आप मेरे भरोसे मत रहिएगा, मैं इंसानी हूं। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने सब कुछ बता दिया है, मैंने सिर्फ आपको एक राह दिखाई है, आपको एक मार्ग दिखाया है, और मैं चाहता हूं कि आप उस मंजिल तक पहुंचे। कौन सी मंजिल? ज्ञान की मंजिल तक पहुंचे, क्योंकि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। और मैं चाहता हूं कि आप इस परमेश्वर का, मित्रों मैं नहीं जानता हूं दुनिया की जो हालत हो रही है, मैं नहीं जानता हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं कि आज या कल, लेकिन जो हालत आप देख रहे हैं कैसे कैसे सब चीजें बदलती जा रही है, ये कलाम हमारे पास कब तक रहेगा हम नहीं जानते हैं। इसलिए जब तक, और एक एक दिन तो हम लोग का दिन तो बीतता ही जा रहा है ना मित्रों, हम जवान नहीं, हम लोग धीरे धीरे बुजुर्गीय पर चलते जा रहे हैं, हमारी आयु के दिन ढलते जा रहे हैं। तो क्यों ना इसको इतना याद कर लिया जाए, अपने दिल और मन में इतना बैठा लिया जाए कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमारे हाथ बंधे हो, पैर बंधे हो, मैं पौलुस सिलास की बात कर रहा हूं, चारों ओर अंधकार हो, हवालात जैसे हालात हो, जेल खाने जैसे हालात हो, मगर तब भी उसकी तारीफ में गाना निकल रहा था। पता नहीं क्या गा रहे थे, पता नहीं क्या स्तुति कर रहे थे, मैं नहीं जानता, लिखा है कि कैदी उनकी सुन रहे थे। कुछ तो वो कह रहे थे मित्रों, कुछ उनके बोलने में ताकत थी, वो कोई ऐसी शानदार बात कह रहे थे कि वो सुनने लायक थी। आज लोग हम लोग को सुनना नहीं चाहते, आज लोग कहते रहे ये तो बोर करते हैं, अरे ये तो क्या क्या बोलते हैं, या ऐसी कटी जली बातें बोलते हैं। और लेकिन यहां पर कैदी उनकी सुन रहे थे। एक तो वो कैदी वो बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी नहीं थे, वो कोई स्कॉलर्स नहीं थे, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं थे, वो कैदी थे मित्रों, अपराधी होंगे, पता नहीं पढ़े लिखे थे कि नहीं, अनपढ़ थे, क्या थे, जो भी था, कैदी उनकी सुन रहे थे, क्या बोल रहे थे पौलुस सिलास। आज तो यहां पर अच्छे अच्छे लोग नहीं सुन पाते, चर्च जैसी मैसेज शुरू होता है आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे, सुनने का किसी को, परमेश्वर का कलाम है ना, अभी यहीं बुराई की जाए किसी की, अभी यहीं किसी की बदकही की जाए तो सब शामिल हो जाएंगे, लेकिन चूंकि खुदा का कलाम है, शैतान आपको किसी ना, कभी बच्चों के बहाने, कभी आपको शारीरिक जरूरत के बहाने, अरे ये 30-35 मिनट में ही सारी जरूरतें आपकी होनी होती है। और मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको चाल समझिए शैतान की, आप जानिए कि भाई इतनी देर में हम घंटों बिस्तर पर पड़े रहते हैं, हम उठ करके जाते नहीं है कुछ करने के लिए, यहां 35 मिनट में सब क्रियाक्रम हमारा हो जाता है। मेहरबानी से इस चाल को ध्यान में रखिए, शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के कलाम को सुने, और अगर सुन लेंगे तो विश्वास हो जाएगा ना, और विश्वास हो जाएगा तो आपका जीवन संवर जाएगा। इसलिए प्रभु के कलाम को बहुत ध्यान से, इस निर्गमन की पुस्तक का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, आज हम 23वें अध्याय पर चर्चा करेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय। मैंने इसको 2-3 पार्ट में बांटा है, और मैं 2-3 बार में आपसे मुखातिब होगा जैसा प्रभु अगुवाई करेगा। मैं बहुत सारी बातें अपनी ओर से नहीं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि प्रभु मेरी अगुवाई करे और प्रभु के द्वारा मैं इसको लेकर के आगे बढ़ूं। मैं चाहता हूं कि मैं जो प्रभु का कलाम बोल रहा हूं आप सुने, ये प्रभु का कलाम है, मेरा नहीं है, मेरा है तो ऑफ कर दीजिए, लेकिन अगर ये प्रभु का कलाम है तो मुझे मालूम है, अगर आप वीडियो पर, अगर यूट्यूब पर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो ना आप शेयर करना भूलेंगे, ना लाइक करना भूलेंगे, ना सब्सक्राइब करना भूलेंगे। आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, इतनी दुनिया की चीजें सब्सक्राइब करते हैं, दुनिया की चीजें शेयर करते हैं, इस खान का, उस खान का, इस सेलिब्रिटी का, उस हीरो का, उस हीरोइन का, क्यों ये, अरे बाप रे बाप, हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसके लिए एक शेयर नहीं हो सकता, उसके लिए सब्सक्राइब नहीं हो सकता, उसके लिए एक लाइक नहीं हो सकता है, जिसने हमारे लिए जान दी, अपना कलाम दिया उसने। निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर नंबर 23।
मैं सिर्फ आज एक लाइन पर बात करना चाहता हूं, इसकी ओपनिंग लाइन जो है, जो पहली लाइन है, झूठी बात ना फैलाना। सोचिए, ना कोई लाग, ना कोई लपेट, ना कोई भूमिका, ना कोई प्रीफेस, ना कोई अंत, ना कोई आदि, सीधी बात, झूठी बात ना फैलाना। बात ना फैलाना ये नहीं लिखा है, बात फैलाना, गो एंड टेल इट ऑन द माउंटेन दैट जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न। जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, जो जो मैंने तुम्हें सिखाया मानना, फैलाओ, बात को फैलाओ, यीशु आया है, यीशु फिर से आ रहा है, जाओ बताओ कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे भाइयों को बताओ, मैं जिंदा हूं। मित्रों, बात फैलाने की नहीं, बात झूठी फैलाने की हो रही है। अरे मित्रों, देश के देश खत्म हो गए इसकी वजह से। अरे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो इस दीपक के लिए, इस दीपक के लिए, इस प्रकाश के लिए। हजारों साल पहले आपने आज की समस्या लिखी। मैं इसीलिए कह रहा हूं मित्रों, आप ये ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना नियम इसराइलियों के लिए, और ये तो उन्हें बनी इसराइलियों के लिए था और वो हिब्रू लोगों के लिए था, कहां किसकी बात कर रहे हैं। ये मेरे और आपके लिए, ये आज के, आज देश के देश, समाज के समाज, सरकार का सरकार इस पर जूझा हुआ है, इससे जूझ रहा है। एक लाइन पर, झूठी बात ना फैलाना। आज फैलाना तो छोड़ दीजिए, इतना झूठ, इतना झूठ, दंगे हो जा रहे मित्रों। और मैं आपसे क्या बताऊं, सब आप जानते हैं, व्हाट्सएप बंद कर दिया जाता है। क्यों? र्यूमर, जिसको अंग्रेजी में र्यूमर कहा जाता है, झूठी बात, उर्दू में जानते क्या कहते हैं, अफवाह, जिसको कहते अफवाह। अफवाह हम ना फैलाना। जहां दंगे होते हैं, सबसे पहले इंटरनेट का कनेक्शन, कम्युनिकेशन काट दिया जाता है कि अफवाह ना फैलने पाए। अरे वहां इतने लोग मारे गए, वहां इतनी गर्दन कटी, वहां इतनी लाज, अरे क्या मैं बताऊं आपको मित्रों। और मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं मसीहियों, खबरदार, जो ये गंदी बात आपके मुंह से निकली, भजन संहिता उसका 39वां अध्याय, मेरे साथ आइए। अगर आपके पास बाइबल हो, इलेक्ट्रॉनिक बाइबल है या प्रिंटेड बाइबल है, आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता और उसका 39वां चैप्टर, भजन संहिता 39वां चैप्टर एंड वर्स नंबर 1। सुनिए, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन की चौकसी करूंगा। सब चीज हम लोग प्रभु पर छोड़ देते हैं, प्रभु ये करेगा, प्रभु ने चाहा तो, प्रभु ने चाहा तो, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा, प्रभु कह रहा कुछ नहीं, चाल चलन तो तुमको संभालना होगा। मैं अपनी चाल चलन की चौकसी करूंगा, क्यों? ताकि लोग मेरे को देखे और मेरे को एडमायर करें? जी नहीं, आगे सुनिए, ताकि, क्यों चौकसी करूंगा, ताकि लगा है उसके, चौकसी इसलिए करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। अरे हम तो सोचते हैं कि केवल व्यभिचार से पाप होता है, हम तो सोचते हैं केवल चोरी करने से पाप होता है, हत्या करने पर, मेरी जीभ से पाप ना होने पाए। यह एक ऐसा बड़ा पाप है मित्रों, क्योंकि यह जीभ, लिखा है कि है तो छोटा सा अंग, लेकिन आग, जंगल में आग लगा देती। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि चर्च में यह बुराई इतनी भरी हुई है, शैतान आपकी जीभ का, उस छोटे से अंग का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो झूठों का सरदार है मित्रों। वो फैलाना चाहता है, वो आप में समा करके झूठी बात फैलाना चाहता है। जो बात फैलानी है उसको चेंज करके झूठी बात फैलाता है। यीशु मसीह जिंदा हो गए, सुनिए, पुनरुत्थान हुआ था, पुनरुत्थान की सामर्थ आई थी, मृतकों में वो पहलौठा, पहला फल था मित्रों, सोचिए आप। और शास्त्री फरीसियों ने, जो सैनिक थे, जो वहां पर पहरा दे रहे थे, उनको पैसे दिए और कहा कि जब हम सो रहे थे तो
तो कहना कि उसके चेले आकर के लाश उठा के लेकर के चुरा करके ले गए। सोचिए आप, फैलाना क्या था? फैलाना था यीशु जी उठा है, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह जी उठा है, हमारा यीशु जिंदा है, वो फिर से आने वाला है। बात यह फैलनी चाहिए थी। तो बात क्या फैलाई जा रही है? जब हम सो रहे थे तो उसकी लाश को, अरे लाश होगी तब तो कोई चुराएगा। झूठी बात ना फैलाना। सोचिए आप, ऑफ ऑल द थिंग, 10 हुक्म के बाद अब उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। वो जो 10 हुक्म थे उसको करीने से एक के बाद एक बार बार रिपीट, क्योंकि ये गुलामी से निकले थे ना। और मित्रों, हम लोग में से बहुत से लोग उस अन्य जाति बैकग्राउंड से आए हैं, ठीक है, पहला जनरेशन नहीं है, लेकिन हम लोग के 2-3 जनरेशन वो जो बीज है ना, पाप का जो बीज है, झूठ का जो बीज है, जो अन्य जाति झूठ बोल बोल करके वो हम लोग के जीवन में घुसा हुआ है। और हमको चौकसी करनी, आप कहेगा तो कैसे? आपको चौकसी करनी पड़ेगी, ताकि आपकी जीभ से, आपके हाथ से नहीं, आपकी आंख से नहीं, आपके पैर से, और कि आपकी जीभ से पाप ना हो। और जीभ से पाप क्या? झूठी बात ना फैलाना। यीशु ही प्रभु है, यह बात फैलाना, यह बात बोलना, यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर से हमें लेने के लिए आने वाले हैं, यह बात फैलाना, इसमें झूठ ना मिलाना कुछ। मित्रों, झूठ आदमी बोल सकता है, ध्यान से सुनिएगा, झूठ बोल सकता है, झूठ फैलेगा नहीं। कब तक? जब तक आप उसको सुने ना। जब आपने झूठ को सुना, झूठ अपने आप फैल गया। अगर आप उसको रोक दें, झूठ किसी ने बोला लेकिन आपने सुना ही नहीं उसको, अरे तो ऐसे कहते जी बहुत सारी, आप बाजार में जाते दुनिया की आवाजें होती है, सब सुनते हैं आप, अरे बहने तो इसी से परेशान रहती, उनके हस्बैंड सुनते ही नहीं है कितनी बार तो बोले हैं इनको, ये तो सुनते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कान में नहीं गया, लेकिन वो जो सुनना होता है, यीशु मसीह ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। अरे भाई कान तो सभी के, वो उस सुनने की बात कर रहे थे जो मन, दिल और मनों में रहता है। तो झूठी बात कह तो आदमी सकता है, मगर अगर आप सुने ना तो वो बात फैलेगी नहीं, क्योंकि जब आपने सुना तो वो आप में फैल गई, फिर आप, वो अपने आप जब फैलेगा तो निकलेगा ही कहीं ना कहीं, फिर आपने कहा, अगले ने सुना, फिर वो फैल गया। झूठी बात मत फैलाना मित्रों, ये इतना बड़ा पाप है। मैंने जैसे कहा, आज कितनी सरकारें, कितने देश, कितने समाज तबाह हो गए केवल झूठ, अफवाहों की वजह से, झूठ की वजह से। कितने लोग मारे गए मित्रों, हलाक हो गए, कितने लोग जेल खाने में, झूठी झूठी गवाहियां दिया है लोगों ने, और कई साल के बाद पता चला कि यह तो उस आदमी ने किया ही नहीं था। और कई बार मसीही लोग चर्च में अगुओं की ऐसी बुराई, ऐसी झूठी झूठी बात, प्रभु के लोगों पर, ये तो प्रभु के लोग हैं, जी बिल्कुल झूठी, शद्रक मेशक अबेदनगो प्रभु के लोग थे, ये प्रभु के जवान थे और इन्होंने प्रभु की आज्ञा मानी थी, लेकिन ऐसी झूठी गवाही उनके खिलाफ दी गई, क्या क्या बोला गया उनके खिलाफ। लेकिन मित्रों, केवल कोई झूठ बोल दे तो जरूरी नहीं कि आप झूठे हो जाए। झूठ तो बहुत लोग बोल सकते हैं, लेकिन एक काम कीजिए, बाइबल कहती है बगैर 2-3 गवाहों के बात ना सुनी जाए। व्यवस्था विवरण उसका 19वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 19वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत मुझे पढ़ने दीजिए, सुनिए। एक ही जन की साक्षी ना सुनना, व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनमी चैप्टर 19 एंड वर्स नंबर 15। एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 व 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे, तब बात फैलेगी नहीं, बात पक्की हो जाएगी। भाई पर कौन है ये झूठी बात फैला रहा है? कौन है जो निर्दोष को सूली पर चढ़ाने की बात कर रहा है? मित्रों, हमारे यीशु मसीह पर यह अटैक हुआ।
इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ऐसा कहा, बलवा करने लगे लोग, बलवा। कोई नहीं था वहां पर, सब के सब झूठी गवाही, क्योंकि फैला दिया गया था। ये झूठी बात जब फैलती है मित्रों, तो सिर्फ बुराई होती है। शैतान आपको चौड़े रास्ते पर ले जाता है, आपके आपका चाल चलन बिगड़ने लगता है, क्योंकि आपने अपने जीभ की चौकसी नहीं की है। दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय पहली आयत, सब चीज दो तीन गवाहों के मुंह से, आज हमने किसी का सुना नहीं। और मैं कहना चाहता हूं, यहां तक कि पास्टर्स पर, मेरे ऊपर कितनी बार झूठी गवाहियां चर्च के लोगों ने, जो चर्च से अलग हुआ उसके पास बस एक ही रह गया, झूठी गवाही दे दो उनके खिलाफ, ये तो ये करते हैं, ये तो ये करते हैं। आप ये कह रहे हैं, यीशु मसीह तक पर चेलों ने लांछन लगाया। आप कहेंगे अरे अरे, ये कब हुआ? मेरे साथ आइए ना, यूहन्ना की इंजील आप पढ़ी लीजिए आज, यूहन्ना की इंजील और उसका 4वां अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 4वां अध्याय। सिर पर लहले जात गगरिया, सुंदरिया समरी नगरिया के, ये गाना याद है ना, यही घटना है इसके अंदर। यीशु मसीह याकूब के कुएं पर बैठे थे, एक सामरी स्त्री आई पानी भरने के लिए। यीशु मसीह ने उससे कॉन्वर्सेशन शुरू किया, तू 5 पति कर चुकी है जिसके साथ तू है, ये सब कॉन्वर्सेशन चल रहा था, बात चल रही थी। पढ़िएगा, काफी लंबी बात हुई, 25 पद तक बात हुई, अच्छा 26 पद तक। यीशु मसीह के चेले खाना लेने के लिए गए हुए थे, यीशु अकेला था और एक लेडी थी। अब अकेले, अब देखिए लांछन, देखिए हमारे यीशु मसीह पर। अरे अपनी जीभ को बुराई से रोकिए मित्रों, कहीं ऐसा ना हो कि आप यीशु की बुराई कर बैठे, नहीं माफी नहीं मिलेगी मित्रों। कहीं ऐसा ना हो कि आप भीड़ में वो हो, वो चिल्लाने वाले क्रूस दो क्रूस दो, जो आपके लिए, जिसने जान दी, जिसने आपको अंधों को आंखें दी, जिसने आपके हाथ पैर को ठीक किया, जिसने आप पर इतना रहम किया, उस पर आप झूठी गवाही देंगे। सुनिए, इतने में, अभी बात चल रही थी सामरी स्त्री और यीशु मसीह की, इतने में उसके चेले आ गए, यीशु मसीह के चेले, मैं 12 चेलों की बात कर रहा हूं, चुना था यीशु मसीह को। अब सोचिए, अब यीशु मसीह से पवित्र कौन होगा, आप हमको ये बताइए। और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है, सुना आपने, वो अचंभा करने लगे, आपस में सोचने लगे, ये लेडी से, ये अकेले इस कुएं पर, और याकूब का कुआं गांव के बाहर था, सुनसान में था। अब चलिए, अब तो आपकी भी सोच वही हो रही है ना, यीशु मसीह कर क्या रहे हैं, उस प्यारे प्रभु पर इस तरीके से आप सोच विचार करेंगे। अचंभा करने लगे कि ये नहीं अचंभा कर रहे हैं कि इसने एक पापनी स्त्री को बचा लिया, अचंभा कर रहे हैं ये स्त्री से बातें कर रहा, क्यों यीशु मसीह स्त्री से बातें, अरे जिसने बनाया है, जिसके हाथ लिखा है कि कोई चीज उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई, वो बातें नहीं कर सकता। मतलब शैतान बातें करे तो ठीक है, इबलीस सांप आकर के बात करे तो ठीक है, परमेश्वर हमसे बात ना करे। अचंभा करने लगे कि ये स्त्री से बातें करता। आगे सुनिए, सोच तो वो गलत ही रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। सुनिए, तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है, क्या मतलब तुम लोग सोच क्या रहे हो, या किस लिए उससे बातें करता है, मतलब तुम्हारी हिम्मत की, तुम ये सोच भी लो, पूछने की तो बात छोड़ दिए, तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं पूछने की, तुमने सोच कैसे लिया कि तू क्या चाहता है उससे। आज पास्टर किसी से बात कर ले, किसी लेडी से बात कर ले, तो अरे भैया उनका तो चक्कर चल रहा है, वो तो लेडी उनके यहां आती है, उनके यहां, अरे कर क्या रहे, जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं लय व्यवस्था उसका 19वां अध्याय और 19वां अध्याय
और 15वीं 16वीं आयत सुनिए सुनिए बहुत ध्यान से। न्याय में कुटिलता ना करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्य का मुख देखना, यानी दोनों को बराबर। भाई कंगाल है, गरीब है, हाँ, कुछ है नहीं, तो इसकी बात को सुन लेना आजकल यही। और कंगाल जो इसका फायदा उठाते हैं, जो लोग अमीर हैं, जिनके पास कुछ दौलत है, उनके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाते हैं। और इसीलिए कहा कि कंगाल का, सिर्फ कंगाल है इसलिए पक्ष मत ले लेना। अरे गरीब है तो उसका पक्ष ले लिए, अरे उसके पास कुछ नहीं है, आपने उसके साथ बड़ा अन्याय कर दिया। जी नहीं, हो सकता है कि वही दोषी हो, इसलिए कंगाल का पक्ष ना करना और ना बड़े मनुष्य का मुख देखकर विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। आगे सुनिए, लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना उत्तरी के। अरे मैं लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना। मित्रों, मैं कितनों को जानता हूं अपने लोगों में जो फिर रहे हैं, अपने चर्च के लोग, आपके चर्च के लोग, आपकी कलीसिया के लोग, चर्च की बुराई चर्च में, इनसे उनसे उनकी उनके ही, पास्टर साहब ऐसे, बिशप साहब ऐसे, एल्डर साहब ऐसे, म्यूजिक वाले ऐसे, गाने वाले ऐसे, अपने लोगों में ये लुतराई जो है ना, ये आज तक सोचिए, हम लोग 2021 में रह रहे हैं, कब ये लिखा गया था और आज तक ये बुराई हम लोग दूर नहीं कर पाए, आज तक इस जीभ के पाप को हम रोक नहीं पाए। शैतान आज भी उसी फोर्स के साथ इस पाप का इस्तेमाल कर रहा है, हमारी और आपकी जीभ को हम लोग लुतराते फिर रहे हैं। उसने ऐसा किया, इससे पूछ, उससे पूछवा, उसको बुला, वो नहीं आया, उसने ये कहा था, मैंने देखा था, अरे देखा नहीं था, मैंने सुना था, तो किससे सुना था, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने किससे सुना, उन्होंने किसी। ये लुतराना जो है हमारी मंडलियों को तबाह कर रहा है मित्रों, उद्धार के मार्ग से डिविएट कर रहा है। दुआ कीजिए इसके लिए प्रभु, हम लोग की मंडली में ये लुतराना ना हो। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं इस पाप से बचा, अपने आप को बचाए, मैं किसी की बुराई ना करूं, मैं लुतराता ना फिर उन्होंने ये किया, उन्होंने क्या, उन्होंने क्या, मेरे पास भी बहुत कुछ कहने को है। और जैसा मैंने कहा, यह बात फैलती कब है, जब आप सुनने लगते हैं। एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा, बिशप साहब आपके बारे में फलाने ये कह रहे थे, फलाने वो कह रहे थे। हमने कहा, वो कह नहीं रहे थे, आप सुन रहे थे। हमने कहा, वो कहना तो आपके लिए भी चाहते थे, लेकिन मैंने सुना ही नहीं, तो उन्हें, मुझे मालूम ही नहीं कि आपके लिए उन्होंने क्या कहा। वो कहना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा, उनके बारे में कुछ बोलिएगा नहीं, क्योंकि मैं झूठी बात न सुनूंगा, और जब सुनूंगा नहीं तो फैलाऊंगा नहीं। मैं इसके अगले पड़ाव पर आता हूं। नंबर एक, अपने चाल की चौकसी कीजिए, अपनी जीभ को बुराई से रोक के रखिए। केवल आपके लुतराने से, आपकी झूठी बातें कहने से आपका एक पैसे का फायदा नहीं होगा, आपके पाप का लेयर बढ़ता जाएगा, पाप का घड़ा भरता जाएगा। तो करें क्या, कैसे बचे? भजन संहिता उसका 34वां अध्याय, भजन संहिता उसका 34वां अध्याय। अगर झूठी बात कोई फैला रहा है, आपको मालूम है यह सच्चाई नहीं है, बजाय उस आदमी से, उस स्त्री से कन्फ्रंट करने का, भी मैं पूछ, इससे पूछवा, उससे, कोई फायदा नहीं इससे। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, भजन संहिता 34 और उसका 22वां पद साध लीजिए। भजन संहिता साम 34 एंड वर्स नंबर 22। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर के बचा लेता है, और जितने उसकी शरणागत हैं उनमें से एक भी दोषी ना ठहरेगा। जितने उसकी शरणागत हैं, एक काम कीजिए, प्रभु को अपना शरण स्थान मान लीजिए। जब कोई आपके बारे में झूठी बात, अफवाह फैलाए, गलत गलत बात बोल करके लुतराता फिरे, इस भाई से, उस भाई से। अभी कुछ दिन पहले एक फोन आया मेरे पास, ब्रदर वो फलाने जो थे वो हमको फोन कर रहे थे, वो आपकी बुराई करते, वो उनकी बुराई करते, वो फलाने की बुराई करते। हमने कहा, भाई सुनो ही ना, ब्लॉक कर दो, खत्म करो बात को, जिस बात में कोई दमी नहीं है,
जब कहीं आग लगी नहीं तो उसको बुझाने से फायदा क्या, क्या बुझाएंगे आप? जब आग ही नहीं लगी तो क्या बुझाएंगे आप उसको? क्योंकि वो अपने ही ऊपर लांछन ला रहे, वो अपने ही जीभ से पाप कर रहे, उन्हीं की चाल, वो अपनी चाल की चौकसी नहीं कर रहे। हमारा तो जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमारा क्या प्रॉब्लम है? केवल झूठी बात फैला देने से आप ये सोचते हैं कि अगले का नुकसान हो जाएगा? कतई नहीं। एक जन के खिलाफ फैलाया गया था, उसका नाम दानियल था, शेर की मान में डाल दिया गया। सुनिए, राजा साहब सुबह आए, राजा ने पूछा चिरंजीव क्या ये वो दुनिया की बातें? अब मैं पढ़ना चाहता हूं दानियल नबी की पुस्तक, उसका छठवां अध्याय और उसकी 22वीं आयत, डैनियल चैप्टर 6 एंड वर्स नंबर 22। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि जो अफवाह फैलाया है लोगों ने, जो झूठी झूठी बात कहा है, उनको जाकर के मैंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, मैंने भी उनको लताड़ दिया, मैंने भी उनको जवाब दे दिया। जी नहीं, दानियल ने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कही। जैसा मैंने कहा, जब आग लगी नहीं तो बुझाने की कोई जरूरत नहीं है। बुझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं आप? आग है ही नहीं। आगे सुनिए, इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मित्रों, जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की थी, अपनों ने मैं अब लिस्ट नहीं बोलना चाहता हूं, बस अपने समझ जाइए आप, इतना अक्यूज किया था मेरे को, इतना दोष लगाया था मेरे ऊपर कि शायद मैं कोई और काम करता तो मेरी तारीफ होती, लेकिन चूंकि परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को फैलाने के लिए मैं एक मिनिस्ट्री शुरू कर रहा था, अपने लोग, गैरों की तो बात छोड़ दी, गैर तो मेरे साथ थे, मोहल्ले वाले मेरे साथ थे, अन्य जातियों ने मेरा साथ दिया, अपनों ने इतना दोष लगाया और मैं बहुत दिन तक सोचता था इनके आगे, इसके घर जाऊंगा, उनके घर जाऊंगा, उनसे पूछूंगा, उनको पकड़ूंगा, उनको ये करूंगा, उनसे। प्रभु ने एक दिन मेरी आंखें खोल दी दानियल नबी की पुस्तक पढ़वा करके, मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। आज मैं आपको चैलेंज करके छोड़ना चाहता हूं, आप किसके सामने निर्दोष होना चाहते हैं? जो झूठी अफवाह फैला रहा है, नंबर एक, एक तो झूठी अफवाह फैलाइए नहीं, नंबर दो, झूठी अफवाह सुनिए मत, नंबर तीन, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखिए, इस पाप से रोक रखिए, और अगर किसी ने आपके खिलाफ कोई झूठी बात कही है, कोई यह सोच रहा है कि वो इससे क्यों बात कर रहा है, वो उनसे क्यों बात कर रहा है, दोष लगाने के लिए तो कोई भी किसी पर दोष लगा दे, पहले अपना गिरेबान झांक के देखो, जो पहला पत्थर मारे, जो पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे, एक के बाद एक सब खिसक लिए वहां से। अपनी आंख का लट्ठा दिखता नहीं, भाई की आंख का तिनका लोग देखते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मत जाइए कोई कन्फ्रंट करने की, कोई सामना करने की जरूरत नहीं है, शैतान का सामना कीजिए। वो आदमी को तो यूज कर रहा है शैतान, और शैतान का सामना घुटनों पर होता है, परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करके होता है, परमेश्वर के कलाम को पढ़ने से होता है। अपना मुकदमा उसके पास ले जाइए, अपनी दुहाई उसके पास ले जाइए और कहिए मैं आपकी शरणागत हूं, क्योंकि जितने उसकी शरणागत हैं उनमें से एक भी दोषी नहीं ठहरता। दानियल को दोषी ठहराया गया था, दानियल शेर की मान में ही परमेश्वर की शरणागत हो गया और निर्दोष करार दिया गया, बोले ये मेरी शरण में आ गया, ये निर्दोष है। हालेलुया। झूठी बात मत फैलाना, अफवाह मत फैलाना, आज से कान पकड़ लिए, ये इतना गंदा पाप है मित्रों कि ये आप कितने लोगों का असैसिन कर देते, कितने लोगों की हत्या कर दे रहे हैं आप, चरित्रिक हनन कर दे रहे, कैरेक्टर असैसिन जिसको कहा जाता है। बहुत आसान है, वो उस लेडी के साथ बात कर रहे थे, वो उस आदमी के साथ बात कर रहे, ये बहुत आसान है मित्रों, और लोग आसानी से विश्वास भी कर ले, क्योंकि लोगों को फैलाने में, झूठ फैलाने में तो मजा आता ना, क्योंकि हमारे अंदर तो वो बीज है, उसको बीज को रोकिए, उसको नाश कीजिए, उसको बैरी को वो बीज बोने ही मत दीजिए, जागते और प्रार्थना करते रहो कि बैरी कड़ुए दाने ना बो करके चला जाए। सजग रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु की शरणागत रहिए और उसके सामने से निर्दोष का सर्टिफिकेट लेके आइए। प्रभु, अगर आपने मुझे निर्दोष करा दिया है, दुनिया जो भी दोष लगाए
कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह को दोष लगा करके चढ़ा दिया गया। लिखा है कि उसके सलीब के ऊपर एक दोष पत्र था, दोष लगाया गया था, अक्यूज किया गया था, जो कुछ उसने किया नहीं उसका अक्यूज किया गया था। मित्रों, सिर्फ कोई झूठी अफवाह फैला दे इसका मतलब नहीं कि आप झूठे हो गए, इसका मतलब नहीं कि आपका चरित्र खराब हो गया, इसका मतलब नहीं कि आप गलत हो गए। झूठी अफवाहें शैतान आज भी लोगों का इस्तेमाल करके फैलवा रहा है, और खास करके लुतरों की कमी नहीं है। इतने लुतड़े हैं हमारे मंडलियों में, इनको रोकिए, इनको डांटिए कि नहीं नहीं करोगे, नहीं बुराई होगी, चुप, शैतान तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारी जीभ का इस्तेमाल कर रहा है, बोलना है तो परमेश्वर का कलाम। अरे परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर की आंखें सब पर लगी, जिसको दंड देना है तुम्हारे अक्यूज करने से तुम्हारे ऊपर बुराई आएगी। और खासकर हमारी मंडलियों में यह काम ना होने पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जागते और प्रार्थना करते रहो, चौकस रहो, कोई कड़वी जड़ फूट करके, कई बार इसी में से, चर्च में से ही, चर्च के लोग कहीं पास्टर कहलाते हैं, कहीं इवेंजलिस्ट कहलाते हैं, कहीं प्रचारक कहलाते हैं, सबको शौक हो गया, लेकिन कहीं वो कड़वी जड़ तो नहीं है, कहीं आपके मुंह से जली कटी बातें तो नहीं निकल रही हैं। प्रभु हम तो अपने शत्रुओं को भी माफी देते हैं, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा फेर देते हैं, क्योंकि मैं उसके सामने निर्दोष पाया जाना चाहता हूं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।